जब नीतीश बाबू कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा में नहीं जाएंगे, सुशील मोदी जी कहते थे कि नीतीश के खून में धोखाधड़ी है, कि जुमलेबाज और धोखेबाज दोनों ने प्रजातंत्र का चीरहरण कर बिहार को 5 साल में नाकारा राज दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़, मैं हूं अभय प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव अंतिम पायदान पे है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार शुरू हो चुका है। कई दिग्गज कांग्रेस नेता आज पहुंचे। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा और साथ ही साथ अभय दुबे आज पटना में पहुंचे और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार और भाजपा पे खूब बरसे। आपको बता दें कि उन्होंने बता दिया कि नीतीश कुमार और जो सुशील कुमार मोदी हैं दोनों का की सरकार, एक में एक जुमलेबाज है तो दूसरा धोखेबाज है। जी हाँ, यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि एक धोखेबाज हैं तो दूसरे जुमलेबाज हैं। 2015 का क्लिप दिखाते हुए कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो बिहार की बोली लगा रहे थे, और साथ ही यह भी कहा कि सुशील कुमार मोदी कह रहे थे कि नीतीश कुमार के खून में ही धोखाधड़ी है, और साथ ही नीतीश कुमार पे यह तंत्र कसते हुए कहा कि कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले क्लिप देखिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। 1,25,000 करोड़ के जुमला पैकेज के ढोल की पोल खोलने के लिए आपके बीच में हम उपस्थित हैं। याद करिए, जो झूठ बोलते हैं वो आवाज तो भारी रखते हैं, हर चुनावी भाषणों में अपने जुमले जारी रखते हैं। इसकी सच्चाई क्या है आपके सामने है और तथ्यों के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। सच्ची बात यह है कि जुमलेबाज जमा धोखेबाज बना 5 साल से बिहार में नाकारा राज। बिहार की बदहाली के हैं दो जिम्मेवार, भाजपा और नीतीश कुमार। याद कीजिए 2015 का चुनाव, जब नीतीश बाबू कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा में नहीं जाएंगे, और सुशील मोदी जी कहते थे कि नीतीश के खून में धोखाधड़ी है। जमीन खिसकती देख 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के बीचों बीच 1,25,000 करोड़ के एक पैकेज की घोषणा कर डाली। नीतीश कुमार जी ने उस पर तंज कसते हुए कहा था कि ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बिहार की बोली लगा रहे हैं। आज यह बात 100% साबित हुई है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जुमलेबाज और धोखेबाज दोनों ने प्रजातंत्र का चीरहरण कर बिहार को 5 साल में नाकारा राज दिया है। इससे पहले कि मैं संक्षिप्त में उसकी चर्चा करूं, एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है जो हम आपको दिखाएंगे और फिर मैं मेरी बात रखूंगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल पैकेज की घोषणा की। जैसे ही शब्द स्पेशल पैकेज होता है, इसका मतलब कि नया और विशेष, कोई नई चीज दी गई है और खास तौर पर बिहार को दी गई है जो कहीं और नहीं दी गई। इस पैकेज के नाम पर, तथाकथित पैकेज के नाम पर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा, और इनकी बात को आप। फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट करने के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।